इसकी पूंछ होती है बहुत ही ज्यादा धारदार होती है, मतलब देखते ही बहुत ज्यादा डर लग जाती है। जिस रास्ते से अगर वो जाता है ना, उस रास्ते से हम लोग नहीं जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों की घास कटाई स्टार्ट भी हो गई है, और ये है मेरी देवरानी, वहां पर है हमारी जेठानी जी, और यहाँ पर है हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा पहला। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं, हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। लंच करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ घास बांधने के लिए। सभी को अगर मौसम का हाल यहाँ पे बता दूँ तो आसमान आज पूरा पूरा साफ है। यहाँ से ठीक सामने हिमालय की पहाड़ी दिखाई देती है, लेकिन आज बादलों से इस तरह से ढगी पड़ी हुई है। पे इतनी सारी घास मेरे को फटाफट से बांधनी है। यहाँ पे घास बांधने के लिए मैं आ रही हूँ। यहाँ से ठीक सामने हमारा आधा गांव भी दिख रहा है, पहाड़ी बाकली दिख रही है। तो चलिए जी, फटाफट से यहाँ पे घास बांध लेती हूँ। दोपहर के 2 बज चुके हैं, 2:30 बजे से मुझे फिर से घास काटने के लिए जाना है। आज घास काटने के लिए चाची जी भी आ रही हैं, और एक मेरी देवरानी आ रही है, एक मेरी जेठानी जी आ रही हैं। तो हम चारों लोग मिलकर घास काटेंगे, यानी कि हमारा आज पल्ट है। आधे घंटे के अंदर मुझे इतनी सारी घास बांधनी है, तो देखती हूँ पूरा बांध के पता चलेगा कितनी घास है करके, कितने मतलब पुए हुए और कितने गड़ो हुए करके। तो गाइस, फाइनली घास भी बांध लिया है, और अब मैं जाने लगी हूँ सीधे दूसरे मांग की तरफ, वहां से काटेंगे घास। घास काटने के लिए आज आ रहे हैं एक चाची जी, और एक मेरी देवरानी है, एक हमारी जेठानी जी हैं। तो साथ में लेके जा रही हूँ मैं एक बोतल पानी, चाय आज नहीं बना के ले जा रहे हैं, क्योंकि शाम के 2:45 बज चुके हैं। अभी 2:30 बजे से हम लोगों ने सोच रखा था, 6 बजे अंधेराई हो जा रहा है, इसीलिए वो लोग मना भी कर रहे थे। अभी मुझे बहुत ज़्यादा देर भी हो रही है, मैं यहीं से जस्ट दूसरे वाले मांग की तरफ जा रही हूँ। घास भी घर में नहीं ले गई, और वो लोग ना घर से आ भी गए हैं। तो चलिए वहीं पे मिलेंगे आप सभी लोगों को। यहाँ से वो नीचे जो रोड दिख रही है, वहाँ तक मेरे को फटाफट से जाना है। रोड के पार तरफ हमको घास काटना है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने मांग में, और यहाँ पे हम लोगों की घास कटाई स्टार्ट भी हो गई है। और ये है मेरी देवरानी, वहाँ पर है हमारी जेठानी जी, और यहाँ पर है हमारी चाची जी। तो चलिए जी, फटाफट से इस खेत को हमने आज अभी कम्प्लीट करना है। यहाँ से हम लोग काटते 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 ला गए हैं यहाँ तक। यहाँ से और बहुत आगे हम लोगों को काटना है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए। मैं नेक्स्ट दिन के मॉर्निंग से, अभी मॉर्निंग के 10:30 बज चुके हैं, और मैं घास काट के घर में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने घास फैला रखा है, आजकल पूरे आंगन में घास ही घास हो रखी है। भी बहुत घास इस साइड भी डाल रखी है, और मस्त करके बकरियां भी मैंने बाहर बांध दी थी सुबह 8:30 बजे। जो घास को मैं काट के लाई, उसको मैंने यहाँ पिरूक के ढेर के ऊपर से धूप में डाल रखा है। मौसम आज बहुत अच्छा खासा हो रखा है, यानी कि धूप ही धूप है। आजकल डेली धूप ही चाहिए, तो आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो गाइस, ये है हमारा किचन, और ये है हमारा अंदर का दरवाजा, और यहाँ पर मैं बैठ रखी हूँ। अभी मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसे जीव से मिला रही हूँ ना, जिसको मतलब देखते ही बहुत ज़्यादा डर लग जाती है। जिस रास्ते से अगर वो जाता है ना, उस रास्ते से हम लोग नहीं जाते हैं। हमारी कुमाऊनी भाषा में उसको ग्वाण बोला जाता है। तो जैसे कि ये हमारा किचन, ये है बरामदा। तो यहीं पे जस्ट ये जो दीवार आप सभी लोगों को दिख रही है ना, तो ये दीवार के यहीं पर है वो जीव, तो जिसको हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में, कुमाऊनी लैंग्वेज में ग्वाण बोला जाता है। तो इसका रोज यहीं पर डेरा है। तो चलिए आप सभी को भी दिखाती हूँ क्या कर रहा है वहाँ पर। अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रही है, और थोड़ा बहुत आगे की तरफ जाने लग गया है। इतनी बड़ी बड़ी जीभ दिखा रहा है,
लेकिन ये रोज यहीं पे आ रहा है। कल मैंने इसे बड़े बड़े पत्थरों से मारा भी था, बिल्कुल डरने का नाम नहीं ले रहा है, जाने का भी नाम नहीं ले रहा है। सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, अभी मैं डर के मारे यहीं पर बैठ रखी हूँ। जो इसकी पूंछ होती है बहुत ही ज्यादा धारदार होती है, तो उससे वो चाहे कैसे सांप हो, छोटे हो बड़े हो, बहुत बड़े साइज के हो, उनको भी काट डालता है। जो सांप होते हैं वो भी इनसे मतलब डरते हैं करके बोलते हैं। तू हाँ, क्या कर रही? कहा हेलो भाई, हैं? हेलो भाई, क्या कर ली हो? ठीक तो है? देखो वो दादा की कॉपी में क्या लिख रहे हो आप? पा, दादा की कॉपी में आप क्या लिख रहे हैं? हम किताबे नहीं आज आप स्कूल नहीं गए? क्यों? हम हो छुट्टा हो गए। छुट्टी हो गई? तुम्हारी हाँ तो हाँ छुट्टी हो गई? बस ताई, दोपहर के 12:30 बजने ही वाले हैं। काले कट्टे में है मिर्ची, जो मिर्ची सूख रही है ना, मैं उसको इस कट्टे में भरते भरते आ रही हूँ, तो अभी तक ये कट्टा फूल नहीं हो रखा है। तो यहाँ पे ठीक खिड़की के सामने मैंने रखे हुए हैं रेंस, यानी कि सूट, तो ये भी थोड़े बहुत अब खेतों में पकने लग गए हैं, परसों मैं तोड़ के लाई थी, तो इनको भी यहाँ पे धूप में डाल रखा है। और अभी मेरा काम है ये वाले मड़बे की सफाई करना, मतलब कि उखल में फामना। और यहाँ पे अच्छी खासी धूप आ रखी है, धूप का खूब हमने फायदा उठा रखा है। इसमें डाल रखा है धनिया, और ये है थोड़ी बहुत मिर्च, और इसमें डाल रखे हैं गेहूं। दोस्तों दोपहर का 1:30 बज चुका है, मैंने मड़ुए की सफाई भी कर ली है। बहुत तेज बाहर पे धूप हो रही थी, थोड़ा बहुत हमारा पुराना वाला मड़ुआ था, थोड़ा बहुत नया वाला, दोनों मैंने मिक्स करके चक्की के लिए तैयार कर दिया है। अब शाम के टाइम ना आयुष जाएगा चक्की में। अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, हमारी तैयारी हो रही है लंच करने की। लंच करने के बाद 10 मिनट आराम करूंगी, उसके बाद जाऊंगी फिर से पलटी में। मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।